राम राम दोस्तों, एक वीडियो में हमने जाना था सालासर बालाजी महाराज के बारे में और आज हम जानेंगे मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में। कहते हैं इस मंदिर से तो भूत प्रेत कोसों दूर रहते हैं, अगर आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है तो इस मंदिर में जाएं, आपका भूत प्रेत छू मंतर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील सिकराय में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत आकर्षक दिखाई देता है। यहाँ के शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करती हैं। यहाँ नगर जीवन की रचनाएँ भी देखने को मिलेंगी। यहाँ तीन देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल भैरव। यह तीन देव यहाँ से आज लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के दो महंत इस समय विद्यमान है, सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज भूतपूर्व सेवक, श्री किशोरपुरी जी महाराज वर्तमान सेवक। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ, सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवा काल श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर बिहड़ जंगल था, घनी झाड़ियों में द्रोर, चीते, बघेरा आदि जंगल जानवर पड़े रहते हैं। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका भुद्राधार दारिर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। विक्रमी संवत 1979 में भी श्री महाराज ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर जब मंडरावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को समान समझकर समान शुल्क लेने के लिए उस चोले को तोलना चाहा, किंतु वे तोलने में असमर्थ रहे। चोला तोलने के क्रम में वजन कभी एक मन बढ़ जाता तो कभी एक मन घट जाता। अंतरा रेलवे अधिकारी ने हार मान लिया और चोले को सम्मान सहित गंगा जी को समर्पित कर दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। राजस्थान राज्य के दो जिलों करौली व दौसा में विभक्त घाटा मेहंदीपुर स्थान दिल्ली, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद लाइन पर स्थित बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 24 मील की दूर पर स्थित है। इस प्रकार बड़ी लाइन के हिंडोन स्टेशन से भी यहाँ के लिए बसें मिलती हैं। अब तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ आदि से सीधी बसें जो जयपुर जाती हैं वे बालाजी के मोड़ पर रुकती हैं। फ्रंटियर मेल से महावीर जी स्टेशन पर उतरकर हिंडोन होकर बस द्वारा बालाजी पहुंचा जा सकता है। हिंडोन सिटी स्टेशन पश्चिम रेलवे की बड़ी लाइन पर बयाना और महावीर जी स्टेशन के बीच दिल्ली, मथुरा, कोटा, रतलाम, बड़ोदरा, मुंबई लाइन पर स्थित है। हिंडोन से 1.25 घंटे का समय बालाजी तक बस द्वारा लगता है। तो दोस्तों, ये थी मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हो मेहंदीपुर बालाजी महाराज की।